अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक हमने जो अपने फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड ईयर का है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो टॉपिक किए थे वो थे 12.11 तक, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 है। तो इतने ही हमारे लेक्चर नंबर हुए हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो टॉपिक वाइज होता है, जो टॉपिक नंबर होता है वही हमारा लेक्चर नंबर होता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आपकी बुक का जो टॉपिक है वो है 12.12 या 12.12 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मैथड। यानी कि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में टू टाइप देखे हैं चार्जेस की, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे जो है वो चार्ज जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, he was the first person who attempt this situation to find out the charge or the quantitative value of the charge in 1909. He was a American physicist, theoretical physicist. So he found the charge on an electron or a charge on a charge particle. So he devised our technique, he devised our apparatus to find out the charge. So there is a schematic, a simple schematic diagram of his apparatus that he was used. So you can see that यहाँ पे हमारे पास जो apparatus है उसका थोड़ा सा मैं elaborate कर देता हूँ कि apparatus में क्या क्या चीज़ें हैं, या उसका वो बनाया हुआ जो apparatus था वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल था। सबसे पहले एक metallic container था जिसको हमने C का नाम दिया है। इसकी diagram clearly आपकी book के अंदर भी बनी हुई है, मैंने भी यहाँ पर draw की है। बच्चों ये मेटेलिक चैम्बर है, ठीक है, ये क्लोज मेटेलिक चैम्बर है ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है या एयर का जो डिस्टरबेंस है उसको बचाया जा सके, उससे वो इन्फेक्ट ना करे, उसका इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए हमने क्लोज चैम्बर लिया है। इस चैम्बर में हमने बनाई है दो विंडोज, एक विंडो जो है W1 के नाम से विंडो 1 है, जिसके थ्रू जो है इस विंडो के थ्रू हमने क्या करना है, हमने जो इनसाइड या इंटीरियर पार्ट है चैम्बर का उसको इल्यूमिनेट करना है, हमने उसको रोशन करना है, हमने उस पर लाइट जो है प्रोजेक्ट करनी है। उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है आउटसाइड द विंडो W1, फर्स्ट विंडो का आउटसाइड हमने यूज़ किया है एक कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया, उसके पीछे हमने उसको इल्यूमिनेट करने के लिए सोर्स जो है लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है एस यूज़ किया है। अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो दूसरी विंडो जो है वहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या आप कह लें कि आप हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ है वी, और इसके अंदर जो है इस इलेक्ट्रिक वोल्ट को जो है सप्लाई को हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, एक पैरेलल प्लेट जो है, दो प्लेट्स जो हमने लगाई हैं जस्ट लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव प्लेट है। और इसके अंदर अगर आप डॉटेड लाइन में राउंड चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, वो हमारे पास एम के नाम से हमने शो की हुई है जो डिवाइस के अंदर, वो है माइक्रोस्कोप के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है माइक्रोस्कोप जो है हमने वो फिट की हुई है। इसके ऊपर जो है हमने सोर्स यूज़ किया है उन ड्रॉपलेट्स का, हम क्योंकि हमने ऑयल ड्रॉपलेट लेने हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है हमने एटमाइजर जो होता है इसको नाम देते हैं एटमाइजर का, एटमाइजर बच्चों हमने यूज किया है। और एटमाइजर के अंदर ऑयल है और इसके आगे इसकी नोजल है, नोजल का साइज जो है वो वेरी वेरी फाइन, वेरी वेरी स्मॉल है। जब इस एटमाइजर को प्रेस करेंगे तो इसमें से स्प्रिंकल आउट होंगे ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो जस्ट लाइक अ मिस्ट जो है, जैसे हमारी मिस्ट होती है, मिस्ट होती है जिस तरह हमारी, जैसे आप सर्दियों के अंदर जो है फोग को फील करते हो तो वो एक्चुअली मिस्ट ही होती है, जिसमें वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो स्प्रिंकल आउट होंगे थ्रू द नोजल ऑफ द एटमाइजर, ठीक है। हमने जो अपर प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, इसमें किया हुआ एक होल, वो होल का साइज जो है वो इतना रखा हुआ है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉपलेट पार्टिकल जो है वो उसमें से पास आउट हो, उसमें से गुजरे, ठीक है। और ओके, यहाँ पे हम कहते हैं कि जब वो उसमें से चार पार्ट, वो हमारा जो ड्रॉपलेट है ऑयल ड्रॉपलेट जो है, जब वो इस विंडो में से जो एच छोटा सा होल विंडो बनाया हुआ है हमने, इसमें से गुजरता है, तो जब वो इस पोजीशन पे आता है पोजीशन डी के ऊपर,
अब होता यह है कि जैसे ही वो ऑयल ड्रॉपलेट जो हैं वो एटमाइजर की नोजल से गुजरते हैं, उसकी नोजल में से पास आउट होते हैं, तो वो फ्रिक्ट करते हैं टू द सरफेस ऑफ द नोजल। जब वो फ्रिक्ट करते हैं तो उनके ऊपर आ जाता है चार्ज, ड्यू टू द फ्रिक्शन उन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ड्रॉपलेट्स ने जो है वो डाउनवर्ड मूव करना है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। आप कह लें कि ये ऑयल ड्रॉपलेट है, इसने जब मूव करना है डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इक्वल होगी उसके वेट के। अब जैसे ही ड्रॉपलेट जो है इस पोजीशन पे आएगा, हमने वोल्टेज जो है पीछे से पावर सप्लाई जो है वो ऑन कर देनी है। हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज जो है हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, जैसे ही वोल्टेज हमने अप्लाई करना है और हमने उतना वोल्टेज अप्लाई करना है कि जितना उसका वेट है, यानी कि इसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स आप कह लें जो इसको अपर साइड पे लेके जाएगी वो होगी हमारे पास एफ ई, और वो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होती है। अब बच्चों हमने इन दो फोर्सेस को बैलेंस में लेके आना है, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस में होगी तो चार्ज जो ऑयल ड्रॉपलेट जो है, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो ना ऊपर मूव करेगा ना ही वो नीचे मूव करेगा, बल्कि वो नियरली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में हम कहेंगे कि जब हमारे पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो हम कहेंगे कि क्यू ई इक्वल हो जाएगी जब एम जी के, तो बच्चों ये ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा इस पोजीशन डी के ऊपर, और इसको हम इल्यूमिनेट करेंगे बाय द सोर्स एस, और वो लाइट जो है वो कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्जेंस होगी उसकी, उसको फोकस किया जाएगा बाय यूजिंग द फोकसिंग लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस जो है कन्वेक्स लेंस के थ्रू थ्रू द विंडो डब्ल्यू वन, और इसे हमने ड्रॉपलेट को इल्यूमिनेट करने के लिए ताकि हम माइक्रोस्कोप के जरिए जो है उस सारे प्रोसेस को व्यू कर सकें। ओके जी, अब नेक्स्ट ये होता है कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस टॉपिक में कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस वी ओवर द डी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डी। डी जो है बच्चों यहाँ पे सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स। हमने जो दो पैरेलल प्लेट यूज की है, मेटेलिक प्लेट यूज की है, जिसको हमने एक को पॉजिटिवली चार्ज किया, दूसरे को हमने नेगेटिवली चार्ज किया है, तो उनके दरमियान जो डी स्पेस है, डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान, तो हमने पीछे पढ़ा था अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू भी हमने ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर पढ़ी हुई है, तो हमें पता है E इज इक्वल टू V ओवर D होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट करते हैं, या अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू जो है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ E, अगर E को हम जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्यू वी ओवर डी इक्वल एम जी, इसे इक्वेशन नंबर आप वन कह लें, आपकी बुक के अंदर इक्वेशन नंबर 12.44 या 44 के नाम से जो है इसको थोड़ा रीअरेंज करके जो है लिखा गया है। अगर इस इक्वेशन को बच्चों हम रीअरेंज करते हैं, इसको आप रीअरेंज कर लें, तो यहाँ से क्योंकि हमने निकालना है क्यू, हम निकालने जा रहे हैं क्यू, तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आप देख सकते हैं V जो है मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, D डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एम जी डी डिवाइड बाय V, इसको इक्वेशन नंबर टू कह लें, ये आपकी बुक के अंदर जो है 12.44 या 12.44 के नाम से जो है नॉमिनेट की गई है। ओके जी, अब हम ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट भी हैं, जैसे कि जी जो है ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और डी जो है ये भी कांस्टेंट है, फिक्स है, आपको पता है डी जो है सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स, एम रह गया और वी भी आपने जितना दिया आपको पता है। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पे हमें अगर एम मालूम हो, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है अगर हमारे पास उसका मास हमें पता चल जाए, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम क्यू जो है उसका जो क्वांटिटी है क्यू की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखते हैं हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एम, अब क्वेश्चन ये है हाउ कैन वी फाइंड आउट एम, दिस इज द मास ऑफ द चार्ज
ऑयल ड्रॉपलेट जी। एम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पीछे से जो पावर सप्लाई दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया है, उसको आप क्या कर दो, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप खत्म कर दो, यानी पीछे से पावर सप्लाई आप खत्म कर दो। फिर क्या होगा, अब इसके ऊपर लगने वाली ये जो फोर्स है बच्चों, ये खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चार ड्रॉपलेट ने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल मेथड से, फ्री फॉलिंग जो है इसने नीचे को आना है, ठीक है। अब ये जब नीचे को आएगा तो कुछ ना कुछ एयर जो है इस चैम्बर के अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिस्ड पार्टिकल था, ठीक है। जैसे कि आपकी फोग ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमने जब हमने सिक्स चैप्टर किया था फ्लूइड डायनामिक्स का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाई डज द फोग ड्रॉपलेट्स सीम टू सस्पेंडेड इन द एयर इन द विंटर सीजन, ठीक है, कि जो फोग के ड्रॉपलेट्स होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, वो हमें ऐसे नजर क्यों आते हैं कि वो सस्पेंड है, लेकिन वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। जब कोई बॉडी जो है जिसका वेट जो है बहुत कम होता है, जब वो डाउनवर्ड मूव करती है थ्रू सम फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के थ्रू जब वो मूव करती है बच्चों, तो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और अप थ्रस्ट जब इक्वल हो जाती है, तो वो बॉडी एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का, वी टी कह लें, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। तो वही केस हमारे पास यहाँ पर है कि एयर जो इस चैम्बर के अंदर मौजूद है, इस ऑयल ड्रॉपलेट ने जब नीचे को आना है, डाउनवर्ड आना है, जब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था खत्म कर देना है, आज इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट की वजह से लग रही है। जब इस चार ड्रॉपलेट ने डाउनवर्ड आना होता है, अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर लें शुरू से जहाँ से वो इमिट हुआ है, और डाउनवर्ड आते आते वो कोई ना कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करते उसे कोई ना कोई टाइम लगेगा, यानी कि इस कोई ना कोई टाइम लगेगा, आप कह लें डिस्टेंस एस है, टाइम टी है, और आपने पढ़ी हुई है ये इक्वेशन एस इक्वल वी टी, यहाँ पे टी सबस्क्रिप्ट में लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी के लिहाज से, तो एस आपको डिस्टेंस का पता होगा इस चैम्बर के अंदर, डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, कितने टाइम के अंदर कवर किया, दोनों चीजें जो है निकाल के आप यहां से वी टी, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। जब ये मूव करता है फ्लूइड के अंदर, तो इसके अंदर कोई ना कोई ड्रैग फोर्स भी लगेगी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, स्टोक्स लॉ बताता है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करती है, तो उसको एक ऑपोजिट फोर्स का जो फोर्स वो फ्लूइड अप्लाइड कर रहा होता है, जस्ट लाइक द एयर रेजिस्टेंस हम कहते हैं, या रोड फ्रिक्शन जिसे हम नाम देते हैं, तो जब वो एयर में से मूव कर रहा है या लिक्विड कोई भी आपके पास जो है वो फ्लूइड है, एयर भी फ्लूइड है, तो उसे एक फोर्स का सामना करना पड़ता है जिसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ आपको पता है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बच्चों स्टोक्स लॉ ने वो फोर्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर, तो वो फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी 6 पाई ईटा आर इनटू वी टी, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास उस स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, जो स्टोक्स लॉ जो है, अगर स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, स्टोक्स लॉ कहता है कि जब कोई बॉडी फ्लूइड में से मूव करती है, तो उसको एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जो कि उसकी वेलोसिटी को, जो उसकी स्पीड को क्या करती है, रिड्यूस करती है, वो हमारे पास क्या होती है, ड्रैग फोर्स होती है। उसकी वैल्यू आपने लिखी हुई है हमने यहाँ पे 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। अब इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। आर जो है ये रेडियस ऑफ द बॉडी होगा, सर्कुलर बॉडी स्फेयर जो अगर ड्रॉपलेट है, और वी टी बच्चों वो टर्मिनल वेलोसिटी है, उसको हम, मैंने बताया कि कैसे हम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब ये फोर्स जो है जब बैलेंस हो जाती है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके वेट के, तो वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है, ये भी हमने पढ़ा, तो इक्वल आ जाएगा किसके, एम जी के, जो कि इसके वेट के इक्वल होगा। जब वेट और ये ड्रैग फोर्स बैलेंस में आ जाती है, नियरली इक्वल होती हैं, तो वो बॉडी जो है थ्रू द फ्लूइड एक वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, जिसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, और वो वैल्यू जो होती है वो हमारी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके जी, सो यहाँ पे जो है हमारा मकसद क्या था, हम सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है मास ऑफ द ड्रॉपलेट की, तो मास एक्चुअली हम निकालने जा रहे हैं
ठीक है, उसके लिए सारे झंझट जो है हम करने पड़ रहे हैं कि ये सारी इक्वेशंस को हमें रीअरेंज करके यूटिलाइज करना पड़ रहा है। अब बच्चों मास ऑफ द ड्रॉपलेट निकालने के लिए हमें ये पता है कि आर जो है उसका रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम उस ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो वो ऑयल है, तो ऑयल की कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी, और आपको पता है कि उस ऑयल की डेंसिटी के साथ साथ जो है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि वो चार्ज स्फीयर। तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल होती है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से हमने मास निकाल के ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मास की वैल्यू एक्चुअली मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये मास की वैल्यू जो है हम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट रीअरेंज करके, एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है आर, क्योंकि आर भी हमें पता नहीं है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये सारे बाकी कॉन्स्टेंट है, ये कोफिशिएंट विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है, आर हमें नहीं पता, वीटी भी हमने मालूम कर लिया, आर और एम जो है अननोन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एम को रिप्लेस करेंगे, एम को रिप्लेस करके आर निकाल लेंगे, आर निकाल के यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे, और जी यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, फिर हम एम निकालेंगे बाद में, ठीक है। जब वो m की वैल्यू मास ऑफ द चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज जो है वो आ जाएगी। तो मिलकिंस ने ये सारा प्रोसेस किया। अब देखते हैं जी कि m हमारे पास किसके इक्वल आता है, m इक्वल आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास एक स्फेयर की फॉर्म में है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इनटू डेंसिटी रो। ओके जी, अब ये वैल्यूज जो है अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर लिख लें, इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4, m की वैल्यू बच्चों हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इक्वल्स 6 पाई ईटा आर इंटू बीटी। जी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और ये इक्वेशन जो है आपकी बुक के अंदर दी गई है इक्वेशन नंबर 12.45 के नाम से, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, जिस मर्जी इक्वेशन को आप कोई भी नाम दे सकते हो, 1, 2, 3 स्टार ए बी सी वट एवर। अब हमने बच्चों यहां से निकालना है आर, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आर निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे सबकी वैल्यू आ जाएगी, जी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एम आ जाएगा, वो एम एट लास्ट हम क्या करेंगे, एट दी एंड यहाँ पुट करके क्यू निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें, आप देख सकते हैं हमने R निकालना है, R तो R क्यूब इधर रह जाएगा, ये R मल्टीप्लाई रहा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, उधर आ गया 6 पाए ईटा वी टी, ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके, बच्चों क्या हो जाएगा, 4/3 पाए इंटू रो, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका एक R से R कैंसिल हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाता है, इसको थोड़ा रीअरेंज करें, इसकी कटिंग करें तो आ जाता है 2 और ये आ जाएगा 3, ये रेसिप्रोक हो के बच्चों ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 9/2 बाकी जो रह गया है ईटा वी टी और नीचे रह गया हमारे पास रो, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी जो है हमारे पास रह जाती है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे 7 था, एम की जगह पे यहाँ पे जी भी था, वो हम लिखना भूल गए, ये जी भी लिखना है हमने यहाँ पे, ये जो जी आ रहा है बच्चों ये वाला, ये भी हमने लिखना है, तो ये जी मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये जी भी आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, बस इतना किया कि हमने इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट किए वैल्यूज, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आर को निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया किसके इक्वल, 9 ईटा वी टी टर्मिनल वेलोसिटी ओवर 2 रो जी। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं बच्चों जब इसमें पुट करेंगे, इसके बाद आप लोगे इसका अंडर रूट, जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू निकलेगी, वो आर की वैल्यू बच्चों इसमें पुट करते हैं, ठीक है, 6 पाई ईटा आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जी मल्टीप्लाई नीचे अगर डिवाइड होता है, तो इस तरह हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ द एम मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके एट लास्ट हमने क्या करना है, अपनी उसी फाइनल इक्वेशन के अंदर जो कि है क्यू इक्वल एम जी डी ओवर वी, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं
जब मिलिकन्स ने ये वैल्यू इसमें इंसर्ट की तो Q जो था उससे निकाला, उसने कहा Q की वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ ऑयल ड्रॉपलेट जो कि उसने फाइंड आउट की. उसने कहा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है इस इक्वेशन के जब हम मास की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और वी जो है हमें पता है वो क्या है, वोल्टेज अप्लाइड जो हमने किया, और ये सारी वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो मिलिकन्स ने कहा था कि जो ड्रॉपलेट्स के अंदर जो मिनिमम चार्ज उसने फाइंड आउट किया, जो कि उसने कहा इंटीग्रल मल्टीपल होगा दूसरे चार पार्टिकल्स का, यानी दूसरे ऑल ड्रॉपलेट्स जो थे चार ऑल ड्रॉपलेट्स का, तो उसने जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कितनी थी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो इसी वजह से वहां पे ये कंक्लूड किया गया कि ये जो मिनिमम चार्ज वैल्यू है ये एक सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट के लिए थी, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट के लिए थी. तो वहां से ये पता चला कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनकी वैल्यू जो होती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, सबके लिए वैल्यू क्या यूज होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. सो ये वैल्यू जो थी ये फाइंड आउट की गई क्योंकि जो ऑयल ड्रॉपलेट था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज. जब वो नोजल में से निकला तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड को बैलेंस किया और वहां से फिर जो है हमने इन इक्वेशन को ड्रॉ किया, जब उसे हमने फ्री मूव करवाई, उसे टर्मिनल वेलोसिटी निकाली, फिर स्टोक्स लॉ यूज किया, ड्रैग फोर्स को बैलेंस किया, मास निकाला, उसकी वैल्यू फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर पुट की क्यू इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी के अंदर, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू हुई. जो मिनिमम वैल्यू जो थी उसने निकाली वो थी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और उसने कहा था ये मिनिमम वैल्यू जो है वो किसी भी चार्ज की वैल्यू है, तो ये दिस इज द मल्टीपल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल होती है तमाम ऑयल ड्रॉपलेट्स का. तो एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो फाइंड आउट किया उसने वो था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो वहीं से कंक्लूड हुआ कि किसी भी चार्ज की जो वैल्यू होती है, एक सिंगल चार्ज जो उसके किसी भी बॉडी पे जो सिंगल चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम.